हेलो एवरीवन, आई एम सुदीप्त हियर। वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड एंड बेक्ड कैप्सिकम। ये बहुत ही अच्छा एक वेज एपिटाइजर है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और इसमें मैं यूज़ करूँगी वेजिटेबल का स्टफिंग। और ये स्टफ्ड कैप्सिकम बनाते टाइम पे मतलब जब बेक करूँगी मैं तो माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करूँगी, लेकिन आप लोग इजीली ये बेकिंग का प्रोसेस पैन पे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बन जाता है पैन पे भी। तो चलिए बनाते हैं बेक्ड एंड स्टफ्ड कैप्सिकम। स्टफ्ड कैप्सिकम बनाने के लिए मैं पैन पे 1 टेबलस्पून लूँगी ऑलिव ऑयल, उसमें डालूँगी 1 कप चॉप्ड अनियन, ये फाइनली चॉप्ड है, 1 अनियन हल्का फ्राई हो जाने पे इस पर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी थोड़ा फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें डाल दूँगी फाइनली चॉप किया हुआ कैरेट, ये 1/2 कप की तरह है, और फाइनली चॉप किया हुआ बीन्स, ये 1 कप के करीब है। ये सबको थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी 4 to 5 मिनट। फाइव सिक्स मिनट्स के बाद अभी मैं इसमें डाल दूंगी चॉप किया हुआ टोमेटो 1 कप के करीब है, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और थोड़ा सा कुक करूंगी इसको जब तक ना हमारा टोमेटो अच्छे से नरम हो जाए। हमारा टोमेटो नरम हो चुका है, अभी मैं इसमें डाल दूंगी एक एक करके ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब, सबको अच्छे से मिला लूँगी। अभी इसमें डालूँगी बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न, ये 1 कप के करीब है। सब कुछ अच्छे से मिला लूँगी, और अभी इसमें डाल दूँगी बॉईल किया हुआ पोटैटो जिसको मैं ग्रेट करके रखती हूँ, ये 1 कप के करीब है। सब कुछ अच्छे से मिला लूँगी। हमारा स्टफिंग एकदम रेडी है, अभी इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। स्टफ कैप्सिकम बनाने के लिए कैप्सिकम को मैं ऐसे करके काट ली हूँ, ऊपर का पोर्शन निकाल दिए और नीचे मतलब अंदर का बीज भी निकाल दी। अभी इसको थोड़ा तेल ग्रीस करेंगे और ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 to 6 मिनट्स इसको बेक कर लेंगे। ओवन को मैं प्रीहीट कर चुकी हूँ, अभी इसमें डाल दूंगी हमारा कैप्सिकम। फाइव सिक्स मिनट बेक करने के बाद अभी इस कैप्सिकम में मैं स्टफिंग डाल लूंगी। अभी ऊपर से डाल दूंगी ग्रेट किया हुआ मोजरेला चीज।
इसको अभी अगेन बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे 5 to 6 मिनट्स। हमारा चीज़ी यामी स्टफ्ड कैप्सिकम बनके एकदम रेडी है। मैं ऊपर से और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल के इसको सर्व करूँगी। आप लोग भी घर पे बनाइए, बच्चे लोगों को ये बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही यामी होता है ये खाने में। थैंक्स फॉर योर टाइम।